डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक शास्त्रीय योग औषधि बतला रहा हूं, लोधरासो। तो लोधरासो का निर्माण गुण उपयोग हमारे आयुर्वेद के महर्षि ने इसको आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ में क्या वर्णन किए हैं, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। तो आप जो है सर्वप्रथम जो है लोध ले लीजिए, कचूर ले लीजिए, ओकर मूल ले लीजिए, बड़ी इलायची ले लीजिए, मुरवा ले लीजिए, बाविडंग ले लीजिए, हरे ले लीजिए, बहेड़ा ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, जब ले लीजिए, कटकी ले लीजिए, चिराइता ले लीजिए, इंद्रायण का जड़ ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए और भारंगी ले लीजिए, तगर ले लीजिए, पाठा ले लीजिए और तेजपात ले लीजिए, नागकेसर ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, मोथा आदि औषधि को आप पानी में डालकर इसको पका दीजिए और पकने के बाद उसको उतार लीजिए और उतार के एक अच्छा मिट्टी के पात्र में अंदर घी लपेट कर उसमें सभी औषधि को डाल दीजिए। शहद या पुराना गुड़ उसमें भी डालकर मुंह को बंद कर दीजिए और मुंह को बंद करने के बाद एक माह के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और एक महीने के बाद उसको निकाल कर छान कर शीशी के बोतल में या किसी पात्र में आप उसको रख लीजिए और लोधरासो जो है आपका तैयार हो गया। ऐसे आपको लोधरासो जो है मार्केट में भी उपलब्ध है, बहुत से कंपनियां लोधरासो को बनाता है और मार्केट में सेल करता है। अगर पेशाब में जलन है तो लोधरासो के सेवन करने से पेशाब का जलन जो है समाप्त हो जाता है। बार बार या अधिक मात्रा में पेशाब हो रहा है या रुक रुक कर यानी बूंद बूंद करके जो पेशाब हो रहा है उसमें लोधरासो के सेवन करने से नष्ट हो जाता है यानी ठीक हो जाता है। आपको मूत्राशय में अगर दर्द हो तो उसमें भी लोधरासो के सेवन करने से ठीक हो जाता है। पेशाब के नली में अगर सूजन है तो लोधरासो के सेवन करने से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर धातु का स्राव हो रहा है तो लोधरासो के सेवन करने से धातु का स्राव जो है रुक जाता है। अगर आपको लोधरासो के सेवन से आपको खांसी में, कफ में, चक्कर आने में, संग्रहणी में, पांडु रोग में इसका प्रयोग करने से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लोधरासो जो है एक पाचक है, भोजन को पचाता है और रक्त को शुद्ध करता है यानी रिफाइन करता है रक्त को, और स्त्रियों के रजो धर्म के रजो में यानी एमसी में इसी तरह का विकार है, इसको साफ करता है और ठीक करता है और दूर भगाता है। गर्भाशय को यह मजबूत करता है, गर्भाशय को शुद्ध करता है, गर्भाशय के विकार को नष्ट करता है। यह औषधि बहुत अच्छा है और कब्जियत में इसका लोधरासो का प्रयोग करने से कब्जियत जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लोधरासो का उपयोग आपको प्रमेह में, शुक्रमेह में, रक्त प्रदर में आदि रोगों में विशेष करके इसका प्रयोग करते हैं और प्रमेह में, शुक्रमेह में, गर्भाशय में, गर्भाशय के विकार में, यकृत में रोग में इसका विशेष करके लोधरासो जो है प्रभाव डालता है और बहुत यह औषधि जो है अच्छा है। स्त्रियों के लिए यह औषधि परम उपयोगी है, मैंने बहुत अच्छा औषधि है स्त्री के लिए। यह रामबाण की तरह स्त्री के रोगों में यह फायदा करता है और इसकी मात्रा जो है आप 30 ml दवा और 30 ml पानी मिलाकर भोजन के बाद 2 बार सेवन करें। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको
धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी।